जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं हाजिर हूँ जी इस टाइम ओस्लो में नेशनली थिएटर से आकर ब्रिगे की तरफ, और ओस्लो नेशनल मेला जो है 2024 का वो स्टार्ट हो चुका है, और बड़ी ही ज़बरदस्त 3 दिन का ये हर साल मेला लगता है, और इसमें ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं उनको एंटरटेन करने के लिए उनके कल्चरल, उनके जो कल्चरल टच उसको दिया जाता है, उनके फोक सिंगर्स जो उनके फेमस सिंगर्स हैं उनको बुलाया जाता है। अभी इस साल पाकिस्तान से जो सज्जाद अली आ रहे हैं आज रात को परफॉर्म करेंगे, और मेरे साथ हैं जी मुआज भी फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही मेला देखने जा रहे हैं। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम रहा हूँ, लेकिन मुझे इस सब कल्चरल के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, और मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। यहाँ पे आने से पहले मेरी आज ड्यूटी थी जो कि मैंने एक्सचेंज की है, क्योंकि ये वंस इन ए ईयर आपका जो है वो मौका होता है इंजॉय करने का, तो इंशाल्लाह जाके देखते हैं क्या सीन है। और कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो दिखाते हैं आपको जी इंशाल्लाह। जी तो हम मुआज़ की एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेते रहेंगे इसको, जो तमाम कंट्रीज़ का काफ़ी इस नॉलेज जो बकौल इसके इसने इकट्ठा किया है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं। आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाकिस्तानी ट्रक के पीछे, हमारा जो सिग्नेचर आर्ट है ये उसको रिप्रेजेंटेशन इसकी हो रही है। मुझे इसके कोई ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, बस जो हैरानगी वाली बात ये है कि ये यहाँ से पंजाब से ये ट्रक यहाँ पर कैसे आ गया, ये मज़े की चीज़ है। तो कराची का नंबर लगा हुआ है जी, और अभी हम अंदर चलेंगे और आपको मेले की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको, आप लोगों को भी साथ हम इंजॉय करवाएंगे। यहाँ पे जी रात को 9:30 बजे ओस्लो के टाइम के मुताबिक सज्जाद अली पाकिस्तान से परफॉर्म करने आ रहे हैं, और सबसे बड़ी परफॉर्मेंस उन्हीं की होगी जो कह लें कि प्राइम टाइम की जो परफॉर्मेंस है रात 9 बजे वाली आज रात को संडे को वो आज पाकिस्तानी आर्टिस्ट को मिली। Thank you.
ये जी जोक वाले हैं, स्तवंगर से आए हैं ये, और यहाँ पे तो पाकिस्तानी स्टॉल्स लगे हुए हैं। हाँ जी, मेरे हर तरफ स्टॉल्स ही स्टॉल्स हैं और डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कहाँ से खाएं, पाकिस्तानी खाएं, इंडियन खाएं या कौन सा खाना खाएं। और पाकिस्तानी भी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, समोसा, चाट पकौड़े, सीख कबाब, नानों से लेके बिरयानी, हर चीज़ यहाँ पे लोग, आवाम कुल्फियाँ भी खा रही है, कोई छलियाँ खा रहे हैं, हर चीज़ जो है वो अपने कल्चर की इंजॉय की जा रही है। मौसम ठंडा है, बड़ा फिट है, हवा चल रही है, तो अभी मुआज़ से हम देखेंगे आज मुआज़ का क्या दिल कर रहा है, मुआज़ क्या खिला रहा है। समोसे या दही भले डूबते, ठीक है। मुआज़, हमें आप इस सिंगर के बारे में और इस मुल्क के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये किस मुल्क से और कौन से आर्टिस्ट हैं? ये स्लोवाकिया से आए हैं। स्लोवाकिया से? स्लोवाकिया से आए हैं और काफी साल जब पीछे जाते हैं तो झगड़ों में रहते थे। इनके जो अबाव अजदाद थे, आदम और Just need more.
फाइनली जी हम लोग थके हरे टूटे इधर आ गए हैं रेस्टोरेंट पे द ग्रीजी हाउस बड़ा फेमस है और यहाँ का बर्गर खाने और इस टाइम जो है वो रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और संडे नाइट है। सुबह को अपने अपने जो है वो कामों पे और अपनी अपनी रूटीन में दोबारा से हॉलीडे जो है वो फाइनली एंड हो चुका है। सज्जाद अली आई, उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तानी कम्यूनिटी थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन उससे पहले जो लिबनान के जो बैंड्स थे उन्होंने जो एक अरेबिक बीट्स थी उसका जो अपना ही मज़ा था ना, वो वाला खैर पाकिस्तानी उसमें नहीं आया, लेकिन अदरवाइज बड़ा फिट एक्सपीरियंस था जी मेला का। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मेला 2025 में मिलेंगे और उसमें देखेंगे कौन से आर्टिस्ट आते हैं पाकिस्तान से। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।